दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईबी यानी व्यापम के द्वारा जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के बारे में। इसके जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 20 नवंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 के बीच में बताई जा रही है। तो आपका 20 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा स्थान, परीक्षा तिथि और परीक्षा समय क्या क्या रहेगा, तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम बात कर लेते हैं आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने व्यापम के अंतर्गत जो है जेल प्रहरी का आवेदन किया है, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 का आवेदन किया है और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रवेश पत्र के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और इस टाइप से जो है हम इस ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको सर्च एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो है आप व्यापम यानी पीईबी व्यापम की जो साइट से डायरेक्ट ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, आपको 13 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम कैप्चा कोड को काउंट करके डालते हैं और सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं यानी एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर जो है डाल देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम यहाँ पर जो है कैप्चा कोड काउंट करके डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ पर सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो आवेदन है या जो एडमिट कार्ड है वो इस टाइप से खुल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आपके पास एक पेज खुल जाता है जिसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो इसमें जो है इस टाइप से खुलेगा और जिनका पेपर 3 दिन बाद है, आज से 3 दिन बाद है, उनका जो है एडमिट कार्ड यहाँ खुल जाएगा। तो जिनके में भी ऐसा एडमिट कार्ड खुल रहा है उनके लिए जो है मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, पिताजी का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको तीसरे स्टेप में एग्जामिनेशन डेट दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट आपको यहाँ पे बताया गया है 24/11/2020, यानी ये जो एग्जामिनेशन डेट है ये सबको अलग अलग होगी, तो एग्जामिनेशन डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन टाइम यहाँ पे दिया गया है 9 से 11, तो आप यहाँ से अलग अलग जो टाइम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर एग्जामिनेशन सिटी दी गई है, एग्जामिनेशन सिटी जो है यहाँ पे अभी दी गई है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा। तो इस टाइप से आपका अगर एडमिट कार्ड आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको लिखा गया है यू कैन डाउनलोड योर डिटेल्स टेस्ट एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर योर एग्ज़ाम डेट। तो यहाँ पे जो है आपको आपको बोला गया कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके 3 दिन पहले आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके 3 दिन के पहले आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपका जो यहाँ पे डेट दी गई है 24/11/2020, तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है 21/11/2020 यानी 21 नवंबर 2020 को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपका जो एग्ज़ाम जिस डेट में है यहाँ पर जो डेट बता रहा है उसके 3 दिन पहले तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, 3 दिन के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना उसमें जो है आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी 3 चीज़ देखने को मिलेगी, एग्जामिनेशन डेट है, एग्जामिनेशन टाइम है और एग्जामिनेशन सिटी है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा जो कि एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।